तो नहीं हमें आने वाली नस्लें माफ करेंगी। आज इमरान खान अगर बेगुनाह जेल में है तो हमारी वजह से, हमारी कौम की वजह से, हमारे बच्चों की वजह से, हमारे पाकिस्तान की वजह से हम हाथ उठा के वादा करते हैं कि जब तक हमारे अंदर एक कतरा खून भी है इमरान खान हम तुम्हारे साथ हैं, हाथ उठा के वादा करो। आज हमारे मुल्क में दहशतगर्दी है और दहशतगर्दी पर सब बात करते हैं। मैं ये पूछता हूं कि पहले भी तुम लोग थे, तुमने यहां पर अमेरिका के कहने पर ऑपरेशन भी किए, अपने अड्डे दिए, अपने उस हमसाया मुल्क को लिए इस्तेमाल करने के लिए जो पश्तून भी है और मुसलमान भी है, और आज आप कहते हो कि कोई वाक्य हो जाए तो इल्जाम लगाते हो या कहते हो कि ये अफगानिस्तान से प्लान हुआ है। तुमने उनके बच्चों पर गोले बरसाने के लिए अड्डे दिए, तुम क्यों उम्मीद करते हो कि तुम्हारे लिए अफगान भेजेंगे? ये नहीं, इसी पीडीएफ की इन्हीं पार्टियों ने हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करवाई और इमरान खान के दौर का रिकॉर्ड उठाओ, दहशतगर्दी खत्म हो गई थी। जैसे ही अमरीका की साजिश में इमरान खान को उतारा, आज दोबारा दहशतगर्दी ने जन्म लिया है। हम वादा करते हैं हम दहशतगर्दी भी खत्म करेंगे, हम अमन भी लाएंगे, और ये गुलामों से, इन चोरों से, इन डाकुओं से इंशाल्लाह अपनी कौम को हकीकी आजादी भी दिलाएंगे। जरा हिसाब लगाओ, इमरान खान 16 रुपए में बिजली का यूनिट दे रहा था, बिजली की थी, वो निकम्मा आज 70 रुपए से बिजली महंगी कर दी है, बिजली भी नहीं है, कहां जा रहा है ये पैसा? जब इमरान खान की हुकूमत में 108-110 डॉलर का एक बैरल था तेल का, इमरान खान 145 रुपए में दे रहा था इस कौम को, आज 88 डॉलर का बैरल है, तुम 125 में दे रहे हो, कहां जा रहा है ये पैसा? आईपीपी के मालिक कौन है? तुमने वो आईपीपी के वायदे कमीशन में कर दिए कि इस बार 2200 अरब रुपया उन आईपीपी को दिया जा रहा है जिनसे हम 80% बिजली खरीद ही नहीं रहे। ये वायदा करने वाले को सजा कौन देगा? मुझसे मुतालबा करते हो कि मैं माफी मांगू उस काम की जो मैंने नहीं किया, जो मुल्क को लूट गए, पहले उनसे तो माफी मंगवा लो। जिन्होंने हमारा खून बेचा, पहले उनसे तो माफी मंगवा लो। जिन्होंने हमारी जानों के बदले डॉलर लिए, पहले उनसे तो माफी मंगवा लो। मैं यहां पर यह ऐलान करता हूं कि नजरिया नहीं कैद हो सकता है, नजरिया नहीं खत्म हो सकता है, नजरिया बढ़ता है, आगे बढ़ता है और आगे बढ़ता है, जज्बा बढ़ता है और आगे बढ़ता है, जुनून बढ़ता है और आगे बढ़ता है, जुनून बढ़ता नहीं, जुनून बढ़ता है। इंशाल्लाह हम लोग हकीकी आजादी लेने तक अपनी तहरीक जारी रखेंगे। और इमरान खान देख लो, मुबारक हो तुम्हें, तुम नहीं हो लेकिन तुम्हारी आवाज पहुंची हुई है, तुम्हारे लिए, तुम्हारे नजरिए के लिए, तुम्हारे मकसद के लिए, पाकिस्तान के लिए, इस कौम को लड़ने के लिए, इस कौम के लिए लड़ने के लिए आज ये लोग चट्टान की तरह खड़े हैं, सताइयत के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ पूरी रियासत मुखालिफ है। लेकिन ये आवाम बता रही है, ये आवाम बता रही है कि हमने खौफ के पुत भी तोड़ दिए शाह साहब, हमने मौत का खौफ भी तोड़ दिया है। आजादी लोगे, छीनोगे, आखिर तक लाइटें ऑन करो, मोबाइल की लाइटें ऑन करो। इमरान खान को ये जाना है, सारे लोग अपने मोबाइलों की लाइटें ऑन करो, मोबाइल हिलाकर ये
लोगे, पांची लोगे, अब मैं यहाँ पे ऐलान कर रहा हूँ, बायसिया के वजीराबाद से पर पश्तून हुआ मैं यहाँ पे ऐलान कर रहा हूँ, हमारा इस्लामाबाद में जलसा था, इस्लामाबाद मेरा भी दारुल खिलाफा है, इस सूबे का जिसका मेंडे की सवाब में दिया इस सवाब की हुकूमत है, उसका भी दारुल खिलाफा है, अब किसी का बाप भी हमारी एनओसी कैंसिल नहीं करेगा, अब किसी का बाप भी हमें नहीं रोक सकता, मैं यहाँ पे ऐलान कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ऐलान कर रहा हूँ कि अगस्त के आखिरी हफ्ते या सितंबर के पहले हफ्ते में वीकेंड के ऊपर मैं यहाँ पे बरबरा ऐलान करता हूँ कि हमारा इस्लामाबाद में जलसा होगा, जहाँ हमारी मर्जी है वहां पे होगा, कोई रोक सकते हैं तो रोक ले, चैलेंज करता हूँ और अगर तो कोई पैगाम देता हूँ कि आपकी एनओसी और आपकी जानकाम इन्होंने जूते के नोक पे रखा है, बीच में मत आना, दमादम मस्त कलंदर होने दो, बीच में मत आना, इंशाल्लाह भी चौक पे जलसा होगा अगर एनओसी नहीं मानोगे, हमें इमरान खान ने कानून की पासदारी का बोला है, आइन की पासदारी का बोला है, नमन देने का बोला है, लेकिन अगर तुमने अपना रवैया दुरुस्त ना किया तो वैसे तो मैं जाने के लिए कहता हूं कि F9 पार दो, मैं कहता हूं श्रीनगर हाईवे दे दो, मैं कहता हूं चरनोल दे दो, लेकिन अगर तुम कहते हो कि नहीं